सूजी ट्रायंगल्स बनाएंगे। सूजी का स्टफ ट्रायंगल्स है, बहुत मज़ेदार नाश्ता है, चाहे तो टिफ़िन रेसिपी भी बन सकता है। और सबसे बड़ा बात है, इसको आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तब आप ये इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो है ना मज़ेदार, एकदम लाइफ सेविंग रेसिपीज है। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सूज फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा। और मुझको और मेरे काम को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक कप सूजी ली हूँ, 150 ग्राम के आसपास होगा। आप चाहें तो बारीक वाला भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल सूजी भी ले सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले जो चटनी पीसने वाला जार होता है ना ग्राइंडर का, उसमें डाल के अच्छे से पाउडर बना देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, एकदम फाइन पाउडर लगता है, जैसे पूरा एकदम फाइन हो जाएगा। सूजी तो ऐसा ही बारीक होता है, उसको पीस देने के बाद और बारीक हो जाएगा। तो ये सूजी का मैं पाउडर ले ली हूँ, एक कप, जैसे मैंने बोला 150 ग्राम। अब इसमें मैं आधा कप दही डालूंगी, 100 ग्राम के आसपास है। ये घर का बना हुआ दही है, खट्टा नहीं है और गाढ़ी दही है। तो इसको मैं इसमें डालूंगी सूजी में। यहाँ पे सूजी और दही को मैं मिला लूंगी। अब जैसे मैं इस हिसाब से, रेसिपी के हिसाब से बता रही हूँ, मैं दो बार में थोड़ा थोड़ा पानी डाली हूँ। तो पहले मैं हाफ कप का आधा, मतलब एक चौथाई कप डाल दी और इसको मिला ली। और इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि टोटल मैं दो बार पानी डालूंगी, जो कि एक कप के आसपास होगा। तो जैसे जैसे सूजी भीगेगा वैसे वैसे हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा मैं मिला ली, इतना पानी होना चाहिए कि सूजी और दही अच्छे से मिल जाए। थोड़ा सा और डाल दूंगी मैं यहाँ पे, देखिए, क्योंकि फूलने के लिए भी पानी इनफ चाहिए। तो अब इसको मिला के रख दूंगी कम से कम 15-20 मिनट तक। अब चलिए इसका स्टफिंग बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक पैन गरम की हूँ मीडियम आंच पे, दो बड़े चम्मच तेल डाली हूँ। आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। और इसमें जब तेल गरम हो जाए तो जीरा डाल दूंगी एक छोटे चम्मच। और इसमें एक स्पेशल फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे कलौंजी डाल रही हूँ, आधी छोटे चम्मच। जीरा और कलौंजी जब चटक जाए तब इसमें बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल दूंगी। हरा मिर्च मैं यहाँ पे एक या दो यूज़ की हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जब वो हो जाए तड़का तो इसमें एक बड़ा प्याज को बारीक कटा हुआ डाल दूंगी। अब फ्लेम मीडियम पे मेरा था, अब फ्लेम थोड़ा हल्का हाई कर दूंगी, मीडियम हाई। और प्याज को एकदम नहीं गलाना है, बस हल्का ब्राउन करना है, एकदम पूरा सॉफ्ट, मतलब ऐसा नहीं चाहिए, हल्का सा गल जाए तब उसमें मैं हल्दी डाल दूंगी एक छोटी चम्मच। और थोड़ा सा लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच डाल दूंगी। ये बस फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। इसमें असल तीखा हम डालेंगे लास्ट को, एक अलग सा इंग्रेडिएंट है, मैं बताऊंगी। अब इसमें मैं हरा मटर डाल दी हूँ एक कप, 100 ग्राम के आसपास होगा, मिला लूँगी। अब हरा मटर ताजे हरा मटर है तो थोड़ा इसको गलने में टाइम चाहिए, तो फ्लेम लो करके इसमें मैं थोड़ा सा अभी कैश्यूज डाल दी हूँ, काजू एक बड़ा चम्मच को बारीक काट के डाल दी हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या तो नहीं डाल सकते हैं। मिला के एक मिनट तक भून दूंगी। अब इसमें 5 मीडियम साइज के आलू हैं, उबले आलू, इसको मैं रेत दूंगी। अगर आप इस सीजन में बना रहे हैं जिसमें मटर नहीं मिलते हैं तो या तो आप फ्रोजन यूज़ कर सकते हैं या बिना मटर के भी ये बहुत अच्छा बनता है बस आलू से, पर ये सर्दियों का मौसम है और मटर और आलू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो मैं डाल दी, थोड़ा नमक एडजस्ट कर ली और एक छोटा चम्मच पानी देके इसको मैं ढक दूंगी। इससे दो चीज़ होगा, पहला ये ताजे मटर जो है बहुत अच्छे से गल जाएंगे और ये जो आलू और मटर का मिक्सचर है ना, ये ड्राई नहीं होगा, एकदम स्मैशी होगा, सॉफ्ट होगा। तो लो आंच पे अभी 5 मिनट ढकने के बाद मैं लास्ट को कटा हुआ धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा ही डाल दी हूँ। और स्पेशल ट्विस्ट यहाँ पे आता है, ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल दी। अब जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन चिली सॉस, धनिया पत्ती, प्याज, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मेरा ये मिक्सचर स्टफिंग रेडी हो गया। गैस को ऑफ करके एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डालना है, याद रखिए गैस ऑफ करना, नहीं तो नींबू का जूस डालने पर कड़वा हो जाएगा। तो बस मिला लूँगी, नमक तो हम पहले से एडजस्ट कर ही चुके हैं, अब स्टफिंग को ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, चिली सॉस, नींबू का रस
और प्याज कलौंजी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने अल्टरनेटिव तो बता दिया, अगर मटर नहीं हो सीज़न में तो सिर्फ आलू से भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे मैंने बोला, नाश्ता का आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टफिंग पहले से ये बन के रख जाएंगे और जो इसका रैपर है हम पहले से बना देंगे, तो फिर जब आपके गेस्ट आए या आपको ज़रूरत हो तो इंस्टेंटली बन सकता है। अब देखिए, जब तक मेरा स्टफिंग रेडी हुआ, मेरा दही और सूजी का जो मिक्सचर एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें लास्ट में आधा कप और पानी डाल दी और अच्छे से घोल दी, तो टोटल मैंने यहाँ पे एक कप सूजी, आधा कप दही और उसके बाद वो दही वाले में ही नाप के एक कप पानी डाला है। अब देखिए, अब नमक एडजस्ट कर ली, मेरा मिक्सचर जो दिख रहा है देखिए इस तरह से होना चाहिए, बैटर जो है पूरा स्मूथ होना चाहिए और एकदम थोड़ा वाटरी होना चाहिए। और जो छोटा वाला मैं यहाँ पे करछुल यूज़ कर रही हूँ, इसमें लगभग 12 से 13 रैपर बन जाएंगे, तो एक कप सूजी में लगभग 3 आदमी के भर नाश्ते आराम से बन जाएंगे। तो अब चलिए रैपर बनाते हैं। मैं एक नॉनस्टिक पैन यूज़ की हूँ, उसमें एक छोटा चम्मच तेल गरम की हूँ, पैन गरम होने के बाद डाली हूँ, मीडियम आंच पे पैन है, उसके बाद एक चम्मच पानी डाल के उसको टिश्यू पेपर से मैं चिकना कर दी। अब फ्लेम पूरा लो मीडियम करना है। अब एक करछुल में डाल दी, अब हल्के हाथों से ऐसे घुमा दूंगी, मीडियम साइज़ का बनाना है पूरी साइज़ का। और अब देखिए अपने आप 30 सेकंड बाद ये रैपर कैसे ऊपर उठने लगा है, इतना अच्छे से है कि इसको हाथ से उठा के हम रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये पूरा नॉनस्टिक टाइप का हो जाएगा रैपर, देखिए एकदम स्प्रिंग रैपर टाइप का, और ये बहुत यम लगता है और कितना पतला है आप देखिए। तो इसलिए मैंने बोला एक कप सूजी और एक कप दही में इस तरह से 10-12 रैपर्स बन जाएंगे। तो इसी प्रोसेस में सारा रैपर्स बना के मैं रख लूँगी। आप चाहें तो दो दो रैपर भी बना सकते हैं, देखिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। असल में क्या होता है कि ये रैपर इसलिए इतना अच्छे से निकलता है क्योंकि हम तवा को पहले तो चिकना कर लिए हैं और इस रैपर को हम दही में पीसे हैं, तो ये बहुत कंसिस्टेंट से स्मूथ हो जाता है। बस एक मिनट के अंदर ही सारे पक जाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसको हम दोबारा कुक करेंगे। तो पहले से आप रैपर बना के रख सकते हैं, पहले से स्टफिंग बना के रख सकते हैं। और अब बताती हूँ इसका हम ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे। मैं एक रैपर यहाँ पे ली हूँ सूजी रैप्स जो है, बीच में स्टफिंग रखी हूँ। अब क्या करना है, जैसे मिनी समोसा बनता है ना ऐसे तिकोना में, देखिए ऐसे एक बार मोड़ेंगे और ऊपर वाला ऐसे कोनिकल शेप में, तिकोना शेप में ऐसे मोड़ेंगे। अब नीचे वाले को अच्छे से हम लेवल कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ ना, इस तरह से। अब आप सोचेंगे ये चिपकेगा नहीं, पर नहीं, ये अच्छे से चिपक जाएगा। बस इसको पलट के ऐसे रखते जाइए, जैसे जो पीछे वाला हिस्सा है उसको ऐसे रखते जाइए और ये आराम से सेट होते जाएगा। दूसरा भी उसी तरह से कर लेंगे। तो है ना, इंस्टेंट वाला पहले से आप रैपर बना दीजिए, पहले से स्टफिंग बना दीजिए, और जब फिर कोई गेस्ट आए या आपको खाने का मन करे तब ये तुरंत तुरंत बन जाता है। बस ऐसे स्टफ़ करते जाना है और उसको फिर नीचे से फोल्ड कर लेना है। ये वाला शेप इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि ये कुछ कुछ समोसा टाइप का लगता है, पर एक्चुअली में समोसा से बहुत थोड़ा हेल्दी रहता है क्योंकि इसमें हम बहुत कम ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि रैपर बनाने में तो ऑयल बहुत कम लगा। हाँ, अगर कोई रैपर ज़्यादा ऐसे हो जाए, हल्का आपसे ज़्यादा कलर आ जाए, तो उसको पलट के उसके अंदर स्टफिंग भर दीजिएगा ताकि जो पोर्शन है कम पका वाला वो ऊपर आए, क्योंकि वापस से हम इसको पकाना है, तो ये चीज़ थोड़ा काम आता है। अब चलिए रैपर्स को सेकने के लिए, देखिए मैं पूरा थोड़ा सा तेल डाल के तवा को चिकना कर दी हूँ। अब उसमें रैपर्स में रखती जाऊँगी, जितना आपके तवा में आटे वह उतना रखिएगा, और ऊपर से एक छोटी चम्मच तेल डाल दूँगी। तो आप जाने ना मैंने क्यों बोला कि ये बहुत कम तेल में पकता है। अब इसको मीडियम आंच पे एक 1.5 मिनट तक पकाना है, या तब तक जब तक ऊपर वाला पोर्शन क्रिस्पी ना हो जाए। और आप देखिए अपने आप जुड़ने लगा ऊपर वाला हिस्सा, जैसे मैंने बोला था ये बिल्कुल नहीं खुलेगा और बहुत अच्छे से कॉम्बाइन हो जाएगा। तो मेरा क्रिस्पी सूजी ट्रायंगल्स रेडी है, हेल्दी और बहुत यम नाश्ता है, टिफ़िन रेसिपीज बहुत अच्छा है। मैं इसको सर्व करती हूँ अभी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब अगर मटर डाले हैं, चिली सॉस डाले हैं, चिली सॉस और नींबू का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा रहता है। टमाटो केचप के साथ सर्व की हूँ, बहुत यम नाश्ता मेरा बन गया। अब दिखाती हूँ आपको कितना अच्छे से सेट हो गया है। इसको कोई बोल ही नहीं सकता कि हम तवा पे बनाए हैं, क्योंकि इसको हम हल्के से बस तेल में बनाए हैं, और अंदर देखिए एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से बना है। मेरा सूजी ट्रायंगल्स एकदम रेडी है।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो नाश्ता है, जैसे मैंने बोला, एक कप सूजी में लगभग 10-12 रैपर्स बन जाते हैं, तो 3 आदमी या 4 आदमी आराम से खा सकते हैं नाश्ते के रूप में। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।